हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे और क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की है। क्वेश्चन नंबर 5 में था वाई की पावर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट में वाई की पावर एन। जैसे जैसे उधर किया वैसे वैसे क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में करना है, बिल्कुल सिमिलर। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ एन डालना है, एन की डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 का बाकी वाले पार्ट तो बिल्कुल इजी है, उसमें कोई करने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फोर्थ पार्ट है इसको थोड़ा सा चेंज करना है, वो ये पार्ट मैं करवा देता हूँ आपको। और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 वो आप खुद ट्राई करेंगे या मैं कोशिश करूँगा। 7 और 8 तीन क्वेश्चन है ना, 7, 8, 9, तो उन तीनों में से 2 या 1 में आपको लिख कर फोटो कॉपी सेंड कर दूंगा और ऑडियो में समझा दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 6 की मैं वीडियो आपको भेज रहा हूँ, इसको समझें ध्यान से, देखें क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट कैसे किया जाता है। बाकी वाले फर्स्ट पार्ट तो मैंने बोला एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया, और बाकी वाले पार्ट तो बिल्कुल ईजी हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट देखिए ये थोड़ा किस तरीके से इसको चेंज करना, बस है ये भी ईजी है लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करना है, ये अरेंज करना है किस तरीके से करना है। देखिए ये है गिवन स्टूडेंट, आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना। तो देखिए इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ से, दिस सप्लाइज मैं इसको लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स माइनस टेन वाई को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, क्या साइन वाई अपॉन कॉस वाई लिख सकता हूँ ना भाई, टेन वाई को साइन वाई अपॉन कॉस वाई, और इंटू इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स ऐसे ही। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ऐसे लिख लिए। अब इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू सेक वाई को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस वाई, लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट 1 अपॉन कॉस वाई। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई। क्यों? क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन बनेगी डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस दिस और प्लस दिस, ठीक है। तो इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये स्टेप नाम लिखो तब भी आपको समझ है, क्योंकि प्लस माइनस लिखो या ऐसे ही लिखो एक ही बात है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से मैंने बोला था जब डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स की फॉर्म बन रही हो तो वाई वाले को पुट करते हैं, सॉरी वाई वाले के साथ डिवाइड करते हैं। अब देखिए कॉस वाई है तो कॉस वाई के साथ मैं क्या कर दूंगा, इसको इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करूंगा। अगर ये 1 अपॉन कॉस वाई मतलब 1 अपॉन कॉस वाई ना होता, सिर्फ कॉस वाई होता, फिर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करता, लेकिन ये 1 अपॉन कॉस वाई है, मुझे कॉस वाई वाला ख़त्म करना है। तो कॉस वाई वाला ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करूंगा मैं कॉस वाई के साथ दोनों साइड। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग कॉस वाई ऑन बोथ साइड, तो वी गेट देखिए क्या मिलेगा, कॉस वाई दिस इंप्लाइज कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स माइनस, इधर करूंगा तो कॉस वाई कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास साइन वाई इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू, देखिए इधर क्या बचेगा, कॉस वाई कट जाएगा तो आपके पास बचेगा 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में पुट करते हैं, पुट किया जाता है तो मैं क्या करता हूँ, साइन वाई को कौन से वाले को पुट करते हैं जो इसके साथ कोफिशेंट में होता है, तो मैं क्या करता हूँ साइन वाई को पुट कर दूंगा। तो मैं इसको मान लेते हैं सपोज इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा पुट साइन वाई इक्वल टू टी, जब साइन वाई को टी के बराबर पुट करूंगा तो इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वी गेट डिफ्रेंशिएट करूंगा दिस इंप्लाइज साइन वाई की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होती है, कॉस वाई, भाई साइन वाई की कॉस वाई होती है, और इंटू वाई की अलग से तो डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू टी की करूंगा तो डी टी बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए कॉस वाई डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, डी टी बाई डी एक्स, तो देयर फोर इक्वेशन फर्स्ट बिकम, तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट क्या हो जाएगी, कॉस वाई डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स की जगह पर आ गया डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस साइन वाई किसके बराबर पुट किया हुआ, टी के बराबर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टी इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू आगे एज इट इज 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ आ गया। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन बनेगी, रिड्यूस करना था लीनियर में, ये लीनियर होगी डी टी बाई डी एक्स, इसको मैंने बोला ना इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस दिस, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, तो ना भी लिखो तब भी ठीक है। तो अब ये डी टी बाई डी एक्स प्लस टी वाई
इक्वल टू क्यू की फॉर्म में बन रहा है। अब वेयर पी वाई, सॉरी पी की जगह पर पी के टी की फॉर्म में है तो टी वाई लिखो या पी वाई लिखो, एक ही बात है। अब देखिए यहाँ पर पी की जगह पर वैल्यू आ रही है पी टी, मतलब डी टी बाई डी एक्स प्लस पी टी इक्वल टू क्यू, ये वो लीनियर फॉर्म बन रही है। अब पी की जगह पर वैल्यू आ रही है वन बाई वन प्लस एक्स, क्या आ रही है, सॉरी वन बाई वन माइनस नहीं माइनस वन बाई वन प्लस एक्स आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये लीनियर क्या होती है डी टी बाई डी एक्स प्लस पी टी इक्वल टू क्यू होता है। तो प्लस पी टी तो इट मीन्स पी की जगह पर माइनस वाला आएगा, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, प्लस इधर डाल दूँ तो इधर माइनस लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसलिए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी वन वन अपन वन प्लस एक्स और क्यू की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। आप इसमें लिख लेंगे दिस इज लीनियर इन टी एंड वी कंपेयर विद डी टी बाई डी एक्स प्लस पी टी इक्वल टू क्यू, वी गेट पी इक्वल टू दिस एंड क्यू इक्वल टू दिस। तो यहाँ तक समझ आ गया, अब देखिए इसका क्या करना है। तो वी गेट पी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स एंड क्यू इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस एक्स इन टू ई की पावर एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो देयर फोर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा ई की पावर पी डी एक्स, ये हो जाएगा ई की पावर पी डी एक्स। अब ई की पावर पी, पी की जगह पर क्या है इंटीग्रल माइनस बाहर आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। दिस सप्लाइज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की पावर वन अपॉन वन प्लस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है लॉग ऑफ मॉड ऑफ वन प्लस एक्स, तो मैं लिखूंगा माइनस है साथ में तो माइनस लॉग ऑफ वन प्लस एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसको एम लॉग एन को मैं लिख सकता हूँ लॉग एम की पावर एन, तो एम की जगह पर इधर माइनस है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई की पावर लॉग ऑफ वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन। अब ई और लॉग कट गए तो क्या बचा आपके पास वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए इसकी पावर माइनस वन है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वन अपॉन वन प्लस एक्स लिख सकता हूँ, तो ये निकल गया तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो फिर क्या निकालेंगे सॉल्यूशन, तो देयरफॉर स्टूडेंट ये जो मैं साफ करता हूँ ना उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, या पहले वीडियो को समझा करो फिर बाद में खुद सॉल्व किया करो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब लीनियर किस में थी टी, लीनियर इन टी थी तो मैं लिखूंगा टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब देखिए टी, टी की जगह पर वैल्यू क्या पुट की थी हमने साइन वाई, तो टी की जगह पर साइन वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला वन अपॉन वन प्लस एक्स आया इक्वल टू क्यू, क्यू की जगह पर क्या था भाई क्यू की जगह पर था वन प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वन अपॉन वन प्लस एक्स और डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट दिख रहा है, हाँ जी। अब देखिए वन प्लस एक्स और वन प्लस एक्स कट गए तो इसी इक्वल के नीचे इक्वल लिखूंगा मैं। अब देखिए क्या बचा इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, यही बचा। तो ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है ई की पावर एक्स प्लस सी, तो दिस सप्लाइज, सॉरी लाइट चलेगी, सॉरी स्टूडेंट लाइट चली गई थी। देखिए अब यहाँ तक पहुँचे हम ई की पावर एक्स के इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस सी आ गया। अब देखिए इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ये है तो मैं इसको अगर साइन वाई को मैं इधर ही रखूँ इक्वल टू वन अपॉन वन, ये वन प्लस एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई होगा वन प्लस एक्स तो आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स प्लस सी के साथ भी होगा, तो c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो हम लिख सकते हैं c प्लस सी इंटू ई की पावर वन प्लस एक्स, ऐसे लिखो या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एक मिनट, या तो इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे लिख सकते हैं e की पावर वन प्लस एक्स उधर मल्टीप्लाई हुआ तो वन प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। तो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, आई होप आपको समझ आया होगा।
तो अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 के जो बाकी वाले पार्ट है वो बिल्कुल इसी तरीके से आपने जो आपको टफ लगता है उसको रीअरेंज कीजिए। जैसे 10 की वैल्यू आ गई उसको किस तरीके से ब्रेक करना है अभी मैंने बताया आपको, सिमिलरली दूसरा तीसरा पार्ट एज इट इज़, और जो इसका पहला पार्ट है वो बिल्कुल सिमिलर डिटो कॉपी है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में वाई की पावर 2 थी, इसमें वाई की पावर n है, बाकी सारा सेम है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं करना उसमें, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये आप खुद कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 तीन क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज के, इन तीनों में से मैं कोशिश करूंगा एक दो आपको कॉपी फोटो कॉपी भेज दूंगा उनकी लिखकर और ऑडियो में समझा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे तीसरे सब यूनिट पे। अभी ये पहला यूनिट ही चल रहा है याद रखना, क्योंकि देखिए स्टूडेंट सेकेंड ईयर वालों का सिलेबस, सॉरी फोर्थ ईयर वालों का, फोर्थ सेमेस्टर वालों का और सिक्स सेमेस्टर वालों का, फोर्थ सेम वालों का दो यूनिट हो चुके हैं, सेकंड सिक्स सेमेस्टर वालों का दूसरा चल रहा है, लेकिन आप ही एक ऐसे बच्चे हो जिनका अभी तक पहला चल रहा है। क्यों चल रहा है, ये वजह क्या है, क्योंकि आप लोग खुद नहीं करते, आप लोगों को हर एक पार्ट करवाना पड़ता है जिसकी वजह से आपका सिलेबस बहुत पीछे। तो लो आप लोग ज़्यादा खुद करने की कोशिश किया करो ताकि सिलेबस जल्दी ब जल्दी होता रहे, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि सिलेबस भी करना है हमें और तैयार भी करना आपको, तो इसलिए आप लोग कोशिश किया करो खुद करने की, ठीक है। जो नहीं होता वो मुझे रिप्लाई कर दिया करो, मैसेज भेज दिया करो, मैं कर दूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये जिस चीज़ को समझ आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करेगा, और जिसको नहीं समझ आया वो भी रिप्लाई करेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप बाकी वाले पार्ट कर लोगे, ठीक है ना। तो 7, 8, 9 इसका मैं आपको ऑडियो में समझा दूंगा, ठीक है। ओके थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, नेक्स्ट सब यूनिट पे चलेंगे, ठीक है। ओके थैंक यू वेरी मच।